हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिल एंड बॉवी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने दोनों मॉडल कर लिए हैं, आज है तीसरा मॉडल थिल एंड बॉवी मॉडल। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थिल एंड बॉवी मॉडल। हाँ जी स्टूडेंट्स देखिए, थिल एंड बॉवी हैव डेवलप्ड द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अकॉर्डिंग बिजनेस कम्युनिकेशन इज मोर देन ए सिंगल एक्ट। भाई बिजनेस कम्युनिकेशन एक सिंगल एक्ट नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। इट इज चेन ऑफ इवेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ फाइव फेजेस लिंकिंग सेंडर एंड रिसीवर। ये इवेंट्स की चेन है कंसिस्टिंग ऑफ फाइव फेजेस, जिसके अंदर फाइव फेज हैं लिंकिंग सेंडर एंड रिसीवर, जो सेंडर से और रिसीवर से क्या करते हैं, लिंक करते हैं, ठीक है। देखिए आगे, हाँ जी ये देखिए, यहाँ पर आपको जैसे ये डायग्राम के थ्रू पता ही चल जाएगा क्या बोल रखा है कि एक सेंडर है, और सेंडर के माइंड में क्या आता है भाई, आइडिया आता है। आइडिया को वो मैसेज में क्या करता है, एनकोड करता है, और फिर उसकी फिजिकल ट्रांसमिशन करता है किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर जो आइडिया को क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद वो फीडबैक प्रोवाइड करता है किसको, सेंडर को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़ते हैं इस जो आपकी एक प्रोसेस है। देखिए फर्स्ट आइडिया, द सेंडर हैज एन आइडिया इन द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग एन आइडिया। सेंडर के पास एक आइडिया होता है। इन द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग एन आइडिया अबाउट द रियल वर्ल्ड, द सेंडर लीव्स आउट मैनी थिंग्स एंड अज्यूम्स मैनी अदर्स। कि एक आइडिया को अपने माइंड में कंसीव करने के लिए तो क्या करता है सेंडर, सेंडर बहुत सारी चीज छोड़ देता है और बहुत सारी चीज अज्यूम अदर करता है, कुछ नई चीजें को अज्यूम करता है। दिस मीन्स दैट द आइडिया इन द माइंड ऑफ द सेंडर इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड की सिंप्लीफिकेशन है। हमें भी कोई आइडिया आता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को एक थोड़े से अलग एनवायरनमेंट में ले जाते हैं, जो ध्यान हमारा उस आइडिया में लग जाता है और रियल वर्ड्स को हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ उस आइडिया के लिए ध्यान है, ठीक है। हाँ जी आगे देखिए, आइडिया बिकम्स अ मैसेज। फिर जो माइंड में मेरे आइडिया आया है, मेरे माइंड में क्या है, आइडिया आया है, उसको क्या बनाना है, एक मैसेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो द आइडिया इन द सेंडर्स माइंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ड्स एंड दस बिकम्स अ मैसेज। उसको वर्ड्स में वो बनाता है। देखो माइंड, अब आइडिया सिर्फ अभी माइंड में है, उसको वर्ड्स में बनाना है, तो वो वर्ड्स में बनाएगा। वर्ड्स में जब वो बनाएगा तो वो मैसेज बन जाएगा। द मैसेज मे बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। और मैसेज को हम कैसे भी बता सकते हो, सामने आपको ग्रुप डिस्कशन के थ्रू बताना है, ग्रुप डिस्कशन में बता दो कि मेरे माइंड में ये आइडिया है। आपको रिटर्न में देना है तो एक रिटर्न का नोटिस निकाल के आप रिटर्न में बता सकते हो कि मेरे माइंड में ये आइडिया है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड, द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। फिर उसके बाद जो मैसेज आया है, जो आइडिया है, जो आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट किया, उसको भेजना है आगे रिसीवर को, जिसको आप बताना चाहते हो वो। द थर्ड स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। द ट्रांसमिशन चैनल में भी नॉन वर्बल और वर्बल, रिटन और स्पोकन। जो ट्रांसमिशन चैनल है, मतलब जो जिससे आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, और वर्बल में रिटन और स्पोकन दोनों हो सकता है, ठीक है। नॉन वर्बल में गेस्चर पोस्चर के थ्रू हो सकता है, वर्बल में रिटन में हो सकता है, और बोल कर हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, रिसीवर गेट्स द मैसेज। फॉर कम्युनिकेशन टू ऑकर द रिसीवर हैज टू गेट द मैसेज। और कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए रिसीवर के पास वो मैसेज आना भी चाहिए।
मान लो एक रिटर्न में आपने कोई कुछ भेजा है अपना मैसेज, वो बंदे को पास रिसीवर को मिला ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन कहाँ से होगी? ठीक है, इफ द सेंडर सेंड्स अ लेटर द रिसीवर हैज़ टू रीड इट बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट। सेंडर ने अगर कोई लेटर भेजा है, रिसीवर को वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। बट फिजिकल रिसेप्शन इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। लेकिन जो फिजिकल रिसेप्शन है, मतलब उसको मिलना, वो एक फर्स्ट स्टेप है। द रिसीवर आल्सो हैज द अंडरस्टैंड एंड स्टोर द मैसेज मेंटली। वो तो देखो मिलना, मान लो एक लेटर है वो मिलना, वो तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना, वो एक जो रिसीवर की मेंटली कंडीशन के पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, आगे रिसीवर सेंड फीडबैक। अब सपोज कीजिए मेरे को कोई मैसेज दिया गया था, मैं रिसीवर थी, तो अगर वो मुझे मैसेज अब समझ में आ गया है, तो मैं उसकी क्या भेजूंगी, उसका आंसर भेजूंगी, यानी उसकी फीडबैक भेजूंगी कि हाँ ये मुझे आइडिया पसंद आया है या नहीं आया। देखिए द रिसीवर रिएक्ट्स एंड, वो रिएक्ट करता है उस लेटर पर या उस बात पर या उस मैसेज पर, एंड सेंड फीडबैक टू द सेंडर, और फीडबैक भेजता है सेंडर को। फीडबैक इज द की एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकॉज इट इनेबल्स सेंडर टू वैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज। जो ये फीडबैक है ना, फीडबैक वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, कम्युनिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि इसी चीज़ से पता चलता है हमें कि हमारा जो मैसेज है वो इफेक्टिवली वे में इस रिसीवर के पास पहुंच चुका है और वो उसको अंडरस्टैंड कर चुका है और उसने इसलिए हमें उसका रिप्लाई किया है, फीडबैक प्रोवाइड किया है। ठीक है, क्या किया है, फीडबैक प्रोवाइड किया है। Then the process is repeated until both the parties have finished expressing themselves। और ये process चलती रहेगी जब तक वो अपने आप को express करना खत्म नहीं कर देते। Communication is effective only when each step is successful। और communication तभी effective बनेगी जब ये communication के जितने भी step है ना, जितने भी ये step दे रखे हैं, वो क्या है, effective way में हो पाए। ठीक है, सेंडर अपना मैसेज अच्छे से इनकोड कर पाए, अच्छे से फिजिकल ट्रांसफ़र हो, रिसीवर उसे रिसीव कर ले और फिर रिसीव करके अंडरस्टैंड करके उसको फीडबैक भेज दे, तब जाके कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसलिए बोला गया है, थिल एंड बोवी ने बोला है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक चीज़ नहीं है, कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच बहुत सारे लिंक बनाता है और उन लिंक को जब कंप्लीट अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं वो लिंक, तब जाके कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन का एक ये मॉडल था जिसके अंदर हमने बताया ये कम्युनिकेशन कैसे होती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो और आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।